एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पूजा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कुछ समर के हैक। मतलब ये ज़्यादा हैक नहीं है, काइंड ऑफ समर वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ समर के बारे में। अब समर आ गया है तो हम जैसी ऑयली स्किन टाइप्स वाले लोगों का फेस हो जाता है काफ़ी चिपचिपा सा, काफ़ी ऑयली बिकॉज ऑफ स्वेट एंड आउटसाइड पोल्यूशन। हमारा फेस हो जाता है एकदम चिपचिपी सा और बेजान सा दिखने लग जाता है। तो बस उसी के लिए यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ एक फेस पैक जो कि आपके फेस को ना कि एकदम ब्राइटनर बनाएगा, ब्राइटनिंग बनाएगा एंड उसके साथ साथ आपका जो एक्सेस ऑयल है उसको भी छट से दूर कर देगा। सो देखते हैं साथी, मैं आपको बताऊंगी एक टोनर जो कि समर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो पैक बनाने के लिए हमें चाहिएगा फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ आप जानते हैं कि उसमें होती है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बैक्टीरिया को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल निकालता है, डर्ट भी निकालता है और स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो समर में कूलिंग इफेक्ट की तो ज़रूरत होती है। आता है हमारे पास कुकुम्बर। कुकुम्बर आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है एंड ये आपके रिंकल्स को और फ्रेकल्स को भी कम करता है और आपको एक ताजगी महसूस करवाता है। कुकुम्बर के अंदर होते हैं भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड इट कंटेन्स विटामिन ए, B1 एंड सी विद बायोटिन एंड पोटेशियम एंड इट लाइटन्स, ब्राइटन्स एंड हाइड्रेट्स एंड टोन्स योर फेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोमेटो की। टोमेटो में होता है लाइकोपेन जो कि आपके सेलुलर से फाइट करता है, डैमेज को रिड्यूस करता है, आपके फेस को फ्रेश, हाइड्रेट और ब्राइटन करता है आपकी स्किन टोन को एंड उसमें होता है विटामिन सी। सो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ हाफ टोमेटो का पल्प इन दिस मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अगर आप इस मास्क को यूज़ करोगे वीक में ट्वाइस और थ्राइस यू विल फाइंड द बेस्ट रिजल्ट्स एंड इट्स गारंटीड वन बिकॉज सब है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जिनकी स्किन है सेंसिटिव वो टोमेटो यूज़ ना करें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो है लेमन। लेमन आपके ब्लैक हेड ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेमन आपके स्किन को अगेन ब्राइटर बनाता है। इसमें होता है सिट्रिक एसिड और विटामिन ई, विटामिन सी जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर और लाइटर करता है एवरी टाइम जब आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव तो इसको यूज़ ना करें। जो अगला यहाँ इंग्रेडिएंट है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन में होता है भरपूर विटामिन सी और विटामिन ई जो कि हर फ्रूट्स में होता है और फ्रूट्स आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है एंड ये आकर एजिंग स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सो वाटरमेलन आप अपने कोई भी पैक में मिक्स कर सकते हैं या कोई भी फ्रूट्स आप अपने पैक में मिक्स कर सकते हैं ताकि वो आपकी स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग बनाए। सो अब मैं यहाँ पे अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स कर रही हूँ एंड अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कम है तो आप इसमें अगेन वाटरमेलन का जो पानी है या जो जूस है उसको आप इसमें डाल सकते हैं और इसको एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बनाएं ताकि ये इजीली अप्लाई हो जाए आपके फेस में। गाइस आपने देखा कि कैसे मेरा ये जो फेस पैक है वो इजीली बनके रेडी हो गया। वो भी सारे प्रोडक्ट्स जो थे सिर्फ घर के नुस्खे थे। सो अब मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने फेस के ऊपर एंड आपको रिजल्ट भी सामने दिख जाएगा। सो जो मैं अभी की हूँ, मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश विद नॉर्मल वाटर, मैंने कोई फेस वॉश यूज नहीं किया है। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फेस मास्क। सो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और कम लगी तो आई थॉट ऑफ एडिंग लिटिल बिट ऑफ वाटरमेलन जूस अगेन एंड आई जस्ट मिक्स इट रियली वेल। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स जो मैंने डाले हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप सभी जानते हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी। सो एज यू कैन सी आइस में नहीं लगाना आपको, आइस के नियम भी। जो होता है कुकुम्बर वो अगर आपको ठंडक पहुँचाता है आपके फेस को एंड काफ़ी हाइड्रेटिंग रखता है आपके फेस को। फुलर्स अर्थ आपके जो एक्सेसिव ऑयल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड टोमेटो में होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो कि आपके पिंपल्स को दूर करने में काफ़ी अच्छा साबित होता है एंड आपके टैनिंग को भी दूर करने में काफ़ी अच्छा साबित होता है। सो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर है कि जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो टोमेटो और ये लेमन नहीं डाले, क्योंकि अगर आपको सूट नहीं करेगा। सो अगर आपकी स्किन है सेंसिटिव तो आप अगर लेमन और टोमेटो ना डालें उसके अंदर, आप सिर्फ इसको कुकुम्बर वाटरमेलन से ही बना सकते हैं। अगर आपके पास वाटरमेलन नहीं है तो भी आप सिर्फ कुकुम्बर के जूस से ही इसको बना सकते हैं। वाटरमेलन मेरे पास था तो आई थॉट ऑफ एडिंग इट बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं।
सो वॉटरमेलन जैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा है वो हमारे फेस के लिए अच्छा ही है. सो आई जस्ट अप्लाइड इट एंड मैं थोड़ा नेक में भी अप्लाई कर दूँगी. मतलब आप जब भी पैक लगाए मेक श्योर कि आप नेक को ना छोड़े क्योंकि ये भी एक्सपोज होता है. सो मैंने यहाँ पे नेक में भी पैक लगा लिया है एंड इसको छोड़ देने का है फॉर 15 to 20 minutes. एंड उसके बाद जो हमने हाफ टोमेटो छोड़ा था उसको करना है अपने फेस में स्क्रब जैसे एंड उसके बाद हमारे फेस को वॉश कर लेना. सो मीनवाइल यहाँ पे मैं पी रही हूँ शरबत है ये जो कि मिक्स शरबत है जिसमें है ग्रीन कलर एंड दी पिंक कलर वन एंड उसके साथ साथ इसमें है इनो जो कि काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग काफ़ी अगर आपके पास आपके आपको है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ऐसा कुछ तो उसको भी काफ़ी अच्छे से रिमूव कर देता है वो. सो भाई समर है ठंडा पीने का मन तो सबका ही करता है तो कुछ अच्छा पी ले इंस्टेड ऑफ हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक लाइक कोको कोला एंड एज सच मैंगो मतलब ये माजा. इससे अच्छा आप घर का कोई ड्रिंक पी सकते हैं आप डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं आप रोज मिल्क पी सकते हैं शरबत पी सकते हैं एंड फ्रूट्स तो आते ही होंगे घर पे तो उसका भी जूस बना के आप पी सकते हैं. सो एट प्रेजेंट आई एम हैविंग दिस. आपने कभी मिक्स करके ट्राई किया है शरबत को ग्रीन कलर एंड द पिंक कलर वन गुलाब का शरबत और आई डोंट नो द ग्रीन कलर नेम बट वो दोनों शरबत को मिलाकर इनो मिक्स कर एंड में इनो मिक्स कर अगर आप पीते हो इट टेस्ट रियली यम्मी एंड यू शुड ट्राई. सो जब तक हमारा ये फेस पैक सूखता है तब तक हम बना लेते हैं हमारा नेक्स्ट थिंग जो कि है टोनर. सो यहाँ पे टोनर के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ग्रीन टी टोनर एंड ग्रीन टी टोनर बनाना बहुत ही आसान है मतलब बहुत ज़्यादा आसान है. सो लेट्स गो एंड मेक ग्रीन टी टोनर. सो ग्रीन टी टोनर बनाने के लिए हमें चाहिएगा एक बाउल एंड उस बाउल में मैंने डाल दिया यहाँ पे पानी. मैं इसको गर्म कर रही हूँ इंडक्शन में एज यू कैन सी एंड उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे ग्रीन टी. ग्रीन टी जो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वो है पत्ती वाली ग्रीन टी. आप चाहिए तो लिप्टन भी ले सकते हैं. तो अब मैं इस उबलते हुए पानी में डाल दूँगी 1 spoon ऑफ ग्रीन टी एंड उसके बाद मैं इसको हार्डली 2 to 3 seconds के लिए ऐसे रखूँगी एंड उसके बाद मैं अपना स्टोव या इंडक्शन जो भी है उसको ऑफ कर दूँगी एंड ऑफ करने के बाद इसको हमको रखना है ढक के फॉर अराउंड 3 to 4 minutes लाइक दिस दैट्स इट. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है. अब मैं इसको एक ग्लास में ले लूँगी छान लूँगी अच्छे से. उस कप से पानी लेना है हमको सो यहाँ पर मैंने पानी भी ले लिया. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फेस हो गया हाफ ड्राई एंड अब मैं अप्लाई करूँगी मेरा हाफ टोमेटो एंड मैं इसको प्रेस कर अपने फेस में मसाज करूँगी फॉर अराउंड 1 minute. टमाटर से अपना फेस मतलब स्क्रब कर लिया है एंड आई लिव इट अराउंड 10 minutes अगेन एंड उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी. सो गाइज यहाँ पे मेरा फेस हो गया ड्राई एंड अब मैं इसको वॉश करके फिर आपको बताती हूँ. सो गाइज माई फेस इज रियली क्लींस नाउ एंड यू कैन सी देयर आर नो डस्ट इन माई फेस राइट नाउ एंड after that I'm going to apply the green tea cleanser I mean the green tea toner which I've just made now. As you can see you can store it for around 2 weeks and that's it. So I'll just spray it. If you don't have a spray bottle you can put in the normal bottle and with whenever you apply it just make sure you take a cotton pad pour it and just dab it. That's it. So I'll spray it now.
So after spraying it, just dab it, that's it. So that your skin will be absorbing it, that's it. So it feels really refreshing after applying the green tea toner. So please make sure that jab bhi garmi ka season ho, aap apne face mein green tea ka jo toner hai, wo zarur lagaye jinko hai oily skin. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके ऑयली स्किन में, ऑयली स्किन को कंट्रोल करने में, पिंपल्स कम होते हैं इससे एंड जो स्पॉट्स है वो भी काफ़ी हद तक रेड्यूस भी हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप ग्रीन टी का जो टोनर है वो गर्मी के सीज़न में ज़रूर यूज़ करें. गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, द समर का फर्स्ट वीडियो. एंड इस प्रकार के समर के और भी कई सीरीज आने वाली है, सो बने रहेगा मेरे चैनल में. और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. एंड अगर छोटी सी घंटी नहीं बजाई है तो वो भी बजा देना बिल्कुल यहाँ पे, ताकि आपको मेरे आने वाले इस टाइप के DIYs और इस टाइप के वीडियोस मिस ना कर सके. सो प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को. सो मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर एंड टाटा, स्टे हाइड्रेटेड इन द समर.